हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या खास बातें होती हैं, कंप्यूटर की क्वालिटीज़ और उसकी विशेषताएं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग इस तरह से मेज़र करते हैं कि हमारा CPU वो विद इन 1 सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर की स्पीड जनरली MIPS में मेज़र की जाती है। MIPS मीन्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मीन्स हमारा जो CPU है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को विद इन 1 सेकेंड में परफॉर्म कर देता है। अगर हम कहें कि हमारा कंप्यूटर का जो स्पीड है वो 25 MIPS है, मीन्स उस कंप्यूटर का CPU 25 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट के स्टेटिस्टिक प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स हमारा कंप्यूटर कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। एक्यूरेट रिजल्ट मीन्स कितना एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है, कितना सही रिजल्ट दे रहा है। कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल मशीन है और ये बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है। हाँ, कभी कभी हमारा कंप्यूटर कुछ एरर प्रोड्यूस करता है, कुछ गलतियाँ निकलती हैं उसमें। तो जैसा कि बच्चों आप लोग पिछले वीडियो में जानते हो कि हमारा कंप्यूटर IPU साइकिल पे वर्क करता है। जैसा हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर हमसे इनपुट के समय कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ एरर्स हम उसमें देते हैं, तो हमारा आउटपुट भी एरर्स और गलतियाँ शो करेगा। रियली ह्यूमंस बींग्स की बात करें, हम इंसानों की बात करें, अगर हमें ढेर सारे वर्क दिए जाएं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर बिना कोई गलती किए, बिना कोई मिस्टेक्स किए, वो बहुत ढेर सारे जॉब्स को परफॉर्म करता है। तो वी कैन से दैट द कंप्यूटर हैज़ हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। जैसा कि बच्चों अभी भी हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल मशीन है। रिलायबल मीन्स कितना भरोसेमंद है वो। जब हमारा कंप्यूटर कोई एरर नहीं देता, हमारा कंप्यूटर बहुत ही स्पीड से वर्क करता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वर्किंग स्पीड और एक्यूरेसी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल है। वो घंटों घंटों काम कर सकता है बिना कोई एरर जनरेट किए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स हमारा कंप्यूटर बहुत ही वर्सेटाइल है। मीन्स कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के वर्क को परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग डेली लाइफ में कंप्यूटर से प्रिंट लेते हैं, कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, वीडियोस प्ले करते हैं, गेम्स खेलते हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मेडिकल्स, फैक्ट्रीज़ और बहुत ही एरिया में होता है। मीन्स हमारा कंप्यूटर कई डिफरेंट टाइप्स के जॉब को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मेमोरी। कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा मेमोरी होती है। इट हैज़ अ ह्यूज मेमोरी। हम इसमें ढेर सारी फाइलों को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसे हम रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव मीन्स होता है कि कोई डेटा किसी स्टोरेज मीडियम में सेव है, हम वहाँ से उस स्टोरेज डिवाइस से डेटा को एक्सेस करना रिट्राइव कहलाता है। इसे हम लोग रीड ऑपरेशन भी कहते हैं। जब हम किसी भी मेमोरी स्टोरेज में जब कोई डेटा या फाइल को स्टोर करते हैं तो इसे राइट कहते हैं, और जब हम उस मेमोरी स्टोरेज से किसी फाइल को एक्सेस करते हैं तो हम उसे रीड कहते हैं। तो जो मेमोरी है, रीड और राइट ऑपरेशंस दोनों परफॉर्म होती हैं उसमें। यानी हम अपने कंप्यूटर के मेमोरी में
रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बच्चों, मेमोरी टू टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये एक टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया होती है। टेम्प्रोरी स्टोरेज एरिया मीन्स यहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस तभी तक स्टोर होते हैं जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। आप यूँ समझ लो कि कंप्यूटर में जो भी कोई रनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सारे रनिंग प्रोग्राम्स प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट होते हैं, मीन्स रैम में। और हमारा जो दूसरा है रोम, रीड एंड ओनली मेमोरी, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें बहुत ही एसेंशियल डेटा स्टोर होते हैं। ये एसेंशियल डेटा कंप्यूटर को स्टार्ट करने में बहुत मदद करते हैं। जब भी हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम में स्टोर्ड एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रैम में आकर के ट्रांसफ़र होता है। रोम में जो डेटा होते हैं वो कभी भी इरेज नहीं होते हैं, इसीलिए इस मेमोरी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और क्योंकि इसका डेटा कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी लॉस्ट नहीं होता है, इसलिए इस टाइप की मेमोरी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी में हम लोग जितने भी फाइल्स होते हैं वो सारी स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम MS Word की फ़ाइल एक क्रिएट करते हैं और उसे सेव करते हैं तो ये फाइल हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में जाकर के सेव हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्ज़ाम्पल्स है हार्ड डिस्क, CD रोम्स, DVDs, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। मीन्स जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो ये हमारे हार्ड डिस्क में आकर के सेव हो जाती है। हम अपनी फाइलों को DVD, CD और पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो बहुत ही लॉन्गर टाइम के लिए होता है। मीन्स हम जब भी कंप्यूटर में अपनी फाइलों को एक्सेस करना होता है तो हम अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में उस फाइलों को सर्च करके उसे ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं और फिर हम उसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो भी होती है वो उसका रीड एंड राइट ऑपरेशन प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सा स्लो होता है। रीड एंड राइट ऑपरेशन का स्लो होना इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी में डेटा का ट्रांसफ़र स्लो होता है और प्राइमरी मेमोरी में डेटा का ट्रांसफ़र काफ़ी फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी चीपर होती है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा होती है और प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।